साथ छी छी पांच सब तो पहले कौमी तराना उसी ते डीजे मैक्सा के कौमी तराना ते कौमी तराने दे एहतराम में सारे खड़े थी वैसो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लबतर सादा कल्लाहु लाजीम। आवाज पीछे तक आ रही है, हाथ खड़ा करके बताएं, मेरे नारों का जवाब दे सो। इमरान खान, इमरान खान, मैं दावत खिताब देसा स्टेट सेक्रेटरी डिसिप्लिन साउथ के प्रेसिडेंट ऑन पप्पी साहब। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डेरा गाजी खान आप तैयार हो? सबसे पहले अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन करें ताकि दुनिया देख सके कि कितना डेरा गाजी खान आज यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री चौक पे मौजूद है। माशाल्लाह, इधर वाले भी और इस साइड पे भी मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ले। माशाल्लाह चेयरमैन साहब, ये बारिश नहीं बराने रहमत है, और इतनी बारिश भी आज डेरा गाजी खान को रोक नहीं सकी अपने लीडर को देखने के लिए। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारी डेरा गाजी खान की लीडर यंगस्टर वफाकी वजीर साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल वजीर के वाय और आपसे खिताब करें। जरताज गुल वजीर, जितना मैं इमरान खान जितना दूजिया जमाता फिर बड़ा पिटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब दुबैया करस्ताइन, या अल्लाह तेरी इबादत करते और तुझे से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम डेरा गाजी खान। हक परस्तों की जहां राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहां आवाज हमारी होगी। तोल कर देख ले अजमत के तराजू में, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। गवाह रहना मेरे डेरा गाजी खान के लोग, गवाह रहना कि मैंने गैरत की, मैंने सच्चाई की, मैंने अपना जमीर नहीं बेचा, और मैं बहादुर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी थी। गवाह रहना, क्योंकि तारीख याद रखती है उन बहादुरों को जो मुल्क के लिए खड़े होते हैं, जो वफा के लिए खड़े होते हैं, इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, और अपने अवाम के लिए खड़े होते हैं। और वो लोग जिन्होंने अपना जमीर बेचा, जिन्होंने वतन फरोशी की, जो मीर जाफर बने, मीर सादिक बने, उनका नाम तारीख और सियाह लफ्जों में लिखा जाएगा। मैंने किताबों में कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, लेकिन मैंने देखा इमरान खान को। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके महबूब लीडर को आप दावत दूं, मैं डेरा गाजी खान से पूछना चाहता हूं, डेरा गाजी खान 17 जुलाई के लिए तैयार हो? गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हो? पल्ले पे ठप्पा लगाने के लिए तैयार हो? दावत देता हूं हमारे यहां के उम्मीदवार पीपी 282 से सरदार सैफुद्दीन खास खोसा के आए और आपसे खिताब करें। रहीम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ीन, मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान खान साहब, मैं आपको अहलियान डेरा गाजी खान की तरफ से डेरा गाजी खान आमद पर खुशामदेद कहता हूं। लोग बस 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 चुप करके बह बन यार, बह बनो।
मैं आपके बीच में और खान साहब के बीच में ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ दो शेर पढ़ूंगा। बेईमान मुसल्लत मुल्क ते हिन, तहु खान जरूरत कौम दी है, कुफार दी अख च अख पेंदे निगरान जरूरत कौम दी है, जय खड़ ललकारे बातल को सुल्तान जरूरत कौम दी है, साकू सैफ पिनड़े नहीं चाहिए, इमरान जरूरत कौम दी है। बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह, अभी इसके बाद खान साहब ने मुल्तान भी पहुंचना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान आपने आद खान को खुश कर दिया। अब जिस शख्स को मैं दावत देने लगा हूं, हमारी डेरा गाजी खान का पहचान सूबे पंजाब के साबिक वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज अहलियान डेरा गाजी खान दी तरफों अवाम दे दिलें दा वजीर आजम जनाब इमरान खान को डेरा गाजी खान आमद ते खुश आमदे दादा, और उनके बाद तुहाकूं कि जेरे तुसां वालेहाना इस्तकबाल कीते कायदे पाकिस्तान और मोहसिन जनूबी पंजाब जनाब इमरान खान साहब दा तुहाकूं खराज तहसीन पेश करेंदा। जनाब खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी हकूमत ने ई खिते दी भरपूर खिदमत कीती है, और इत्थों दे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल मुहब्बत करेंदन, और ई गाल दा अंदाजा जनाब को जनूबी पंजाब दे विजिट दे थींदा पिया हो सी, और जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा किला है, और इंशाअल्लाह एक किला ही रहा सी, और असां तुहाडे मशकूर हैं कि तुसां जनूबी पंजाब को उंदी शनाख्त दित्ती है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरियत दा क्याम, उन्दे बाद इन इलाके वास्ते 35% फंड मुख्तस किए गए हैं कि जेरे दोबारा कहीं बे इलाके लग नहीं सकते, और 35% जॉब कोटा नौकरियों का मुलाजमतें का इन हकूमत वास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तस किए। खसूसी तौर के उत्ते इन्हें महरूम और पसमांदा इलाके के जिंदे विच राजनपुर और डेरा गाजी खान शामिल हैं, जेरे के पंजाब दे सब तू ज़्यादा पसमांदा तरीन इलाके हैं, इत्थां तरक्की दा एक नवा रुख मोड़ दिता गए। अगर मैं डेरा गाजी खान दी गल करां तो इत्थां स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनती पई है, जिंदे नाल बलोचिस्तान खैबर पख्तूनखा और पंजाब दे जनूबी पंजाब दे इन्हें इलाके को दिल दी इलाज दी सहूलत मैसर हो सी। उन्दे बाद डेरा गाजी खान दा जेड़ा हस्पताल है उनको अपग्रेड किया गया, ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 400 बेड दी एमरजेंसी इत्थां बनाई वेंदी पई है। उन्दे बाद बेशुमार हॉस्पिटल को इत्थां तहसील हेडक्वार्टर दा दर्जा दे दिता गया। उन्दे बाद जेड़ा हेल्थ कार्ड है उन्दा इजरा डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीजन तो किया गया, यह एक तारीखी मनसूबा है जिहड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा है। पंजाब दे 12 करोड़ आवाम को 10 लख रुपए की हेल्थ फैसिलिटी हर बंदे को मुयसर रही, जिंदे उत्ते 400 अरब रुपया खर्चा आना है। उस तो बाद इन इलाके दे विच डेरा गाजी खान दे विच 3 यूनिवर्सिटियां कायम किए गए हैं, जिंदे विच मीर चाकर खान रेंद यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान और यूनिवर्सिटी ऑफ तौसा शरीफ शामिल हैं, और गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान को काफ़ी फंड दिए गए हैं। और हुकूमत पंजाब ने सारी हुकूमत ने उस वेले 16 सीमेंट फैक्ट्रियां इत्थां बनाए, जिंदे विच 3 फैक्ट्रियां डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट दे विच बनते पैन। उन्दे बाद एक लंबी डी
एक मिनट दसो कुकड़ी का साथ कौन दे सी, कुकड़ी का साथ कौन दे सी, खान का साथ कौन दे सी। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की इजाजत नहीं गाल करे सू, लेकिन आज मैं को लगता है सैफुद्दीन खान हल्के दी अवाम तेरे नाल है। अल्लाह अल्लाह तो कोई इज्जत देवे, अवाम तेरे नाल है, तेरे वालिद दी इज्जत है, तेरे खानदान दी इज्जत है, और ये लोग तेरी कंड ना लगन दे सन। ये कौम इमरान खान दी कंड ना लगन दे सी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और कौन बचाएगा पाकिस्तान। शुक्रिया। माशाल्लाह इंतजार दी घड़ी खत्म। पाकिस्तान की ओर इमरान खान। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। अच्छा डेरा गाजी खान, खामोशी 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 खामोशी, वो जो एक मिनट खामोशी, वो साउंड सिस्टम, अगर वो साउंड सिस्टम को आपने ना बचाया मैं तकरीर नहीं कर सकूंगा। तो वो साउंड सिस्टम को अच्छा है कि आप आ गए, लेकिन दो चीजें, एक साउंड सिस्टम को बचाना है और एक मेरी बहनें वहां बैठी है खड़ी है, उन सबको आपने बचाना है। अच्छा डेरा गाजी खान, सबसे पहले माशाल्लाह अवाम का जो समुंदर है, जिस तादाद में आप यहां आए, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। डेरा गाजी खान बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद डेरा गाजी खान थोड़ी खामोशी ताकि आप मेरी बात सुन सकें। पहली दफा मेरी कोशिश थी कि मैं आपका डीजी खान, जो सबसे पासमंदा इलाका है पंजाब का, मैं उधर से चीफ मिनिस्टर बनाया उस्मान बुज़दार को ताकि आपकी मदद कर सके, ताकि पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए हैं, जो पसमानदा है, मेरी कोशिश ये थी कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आए जिसमें दर्द हो, जिसमें गरीब आदमी की दर्द हो, जो इलाकों में लोग रहते हैं जिधर पानी नहीं, बिजली नहीं, अस्पताल नहीं, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जिसको दर्द हो इन लोगों की। इसलिए उस्मान बुज़दार, मैं आपके पास एक ऐसा इंसान को चीफ मिनिस्टर बनाया। आजी थी इसमें, शहबाज शरीफ की तरह शोबाजी नहीं करता था। बस ड्रामे नहीं करता था, एक्टिंग नहीं करता था, आजी थी और इसने काम किया। और मेरा ये चैलेंज है कि जो काम इस आपके इलाके में इन 3 सालों में हुआ है, कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना काम नहीं किया जो डीजी खान के लोगों के लिए हुआ है। अच्छा सुने, तो मैं डीजी खान के नौजवानों, खास तौर पे नौजवानों, सुना है मुझे सैफुद्दीन ने कहा जबरदस्त काम कर रहा है हमारा डीजी खान का नौजवान।
नौजवान, ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इलेक्शन है, ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। मेरे नौजवानों, ये है वक्त इन चोर और डाकुओं को शिकस्त देने का। इन अमेरिका के जूते पॉलिश करने वालों को शिकस्त देने का। डेरा गाजी खान, ये है वक्त, ये है वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देने का। और नौजवानों, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, आपने लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने घर घर जाके हमारी ख्वातीन को निकालना है। और जो औरतों की पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली होती है, आपने उस धांधली को रोकना है। नौजवानों, आपने हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 10 दलेर और बाशऊर नौजवान चाहिए पैरा देने के लिए। तो डेरा गाजी खान, मुझे जरा बताओ कि आप इतवार के इलेक्शन के लिए तैयार हो? आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह, लोटा उसल खानों में होता है। और इस बारी मेरी कौम पाकिस्तान के लोगों, ये जो जमीर फरोश बिकाऊ माल जो अपने हलके के लोगों को धोखा देते, जो मुल्क का कानून तोड़ते हैं, आईन तोड़ते हैं, इखलाकियात के खिलाफ जाते हैं अपना जमीर बेच के, ये है वक्त इनको शिकस्त देने का। और जो पैसे लेके इनको खरीदने वाला नून लीग, शबाज शरीफ, हमने ये शबाज शरीफ, तुम कान खोल के सुन लो आज, शबाज शरीफ, तुमने हमेशा अंपायरों को साथ मिला के मैच खेला है, और इस बारी अंपायर भी अपने साथ मिला लो, इस बारी आप मैच इंशाल्लाह नहीं जीत सकते। पहले भी शबाज शरीफ, डीजी खान के लोगों ने तुम्हें फेंटा लगाया इलेक्शन में, पहले भी हारे हो, और इंशाल्लाह इस बारी भी। अच्छा डीजी खान के लोगों, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई मरासले के ऊपर, वो खत जो साइफर जो अमरीकी डोनाल्ड लू और जो हमारा असद मजीद वॉशिंगटन में एम्बेसडर था उसके बीच में जो गुफ्तगू हुई, आज सुप्रीम कोर्ट मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बड़े अदब से, और मैं अपनी अदलिया को हमेशा बड़े अदब से मुखातिब होता हूं, क्योंकि एक मुल्क की, एक मुस्तकबिल, एक आजाद, एक मजबूत अदलिया, एक ऐसे जज जो क्रेडिबल हो उस पर होती है। तो मेरी तो तहरीक का नाम ही इंसाफ है, हमारी तो कोशिश ही इस मुल्क पर इंसाफ लाने की, वो एक एक
अच्छी अदलिया के बगैर इंसाफ नहीं मुल्क में आता। तो मैं आज सवाल पूछता हूं, कहा गया कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मेरा सवाल आज ये है कि मैंने पहले कैबिनेट के सामने वो मुरासला रखा, कैबिनेट के मिनट्स मौजूद हैं, उसमें एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान के एम्बेसडर को धमकी देता है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से अगर नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें आ जाएंगी और अगर इसको हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। मैं आज अपनी अदलिया और सारी कौम से पूछता हूं कि इससे बड़ी 22 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा तोहीन क्या हो सकती है कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी धमकी दे रहा है 22 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम को एम्बेसडर के जरिए कि जी इसको अगर नहीं हटाओगे तुम मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इमरान खान को धमकी नहीं, ये इमरान खान की तोहीन नहीं है, ये हमारी सबकी 22 करोड़ कौम की तोहीन है। और मैं उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा, हमने स्पीकर ने वो मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। हमने जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। मेरी कौम की तोहीन, एक आदमी किसी और हुकूमत से हुक्म करता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, ये मेरी नहीं ये सारी कौम की तोहीन है। और मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। और खास तौर पे जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो मैं चाहता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो मैं चाहता था ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, मेरे एम्बेसडर को वो कैसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बिठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था? और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी आगे से जब भी अमेरिकन धमकी देंगे वो उनके सामने घुटनों पे पड़ जाएगा, स्टैंड नहीं लेगा अपने मुल्क के लिए। वो कहेंगे जी रूस नहीं जाना, तो वो कहेगा जी जिस तरह ये चेरी ब्लॉसम
शहबाज शरीफ, ये कभी खड़ा हो सकता है? जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers. जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया लेकिन मजबूरी है। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया मैं मांगने आया लेकिन मजबूरी है। बस अब अगर आपको इस तरह के प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो कहते हैं डेरा गाजी खान, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। पहले ही घुटनों पे है कि जी हम तो बेकार ही हैं। क्या डेरा गाजी खान हम बेकार ही हैं? हम किसकी उम्मत हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर जिसने दो सुपर पावर्स को, थोड़े से मुसलमान थे तब, दो सुपर पावर्स को जब वो मदीना की रियासत संभाली, दो सुपर पावर को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई भिखारी हूं, भीख मांगने आया हूं। ये नहीं कहा उन्होंने जो शहबाज शरीफ कहता है, कहते मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। अगर इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। हम तो उस लीडर के उम्मती हैं। हमारा तो अल्लाह से दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा अल्लाह किसी के सामने नहीं हम झुकते। तो मेरे डीजी खान, आपके बड़े यहां से डीजी खान के बड़े लोगों को मैं मिला हूं बैरून मुल्क, मेहनत कश लोग हैं, काम करते हैं, वहां से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान मेहनत कश बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे पे चलता है और वो यहां पैसा भेजते हैं और यहां के करप्ट ये जो दो खानदान 32 साल से हुक्मरानी की है इन्होंने, मुल्क का खून चूसा, चोरी करके मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया है, ये वो लोग हैं, वो मेहनत कश पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। यहां डीजी खान के और खास तौर पे बड़े मेहनत कश यहां के लोग बैरून मुल्क बड़े बड़े में 18-18 घंटे काम करते बेचारे लोग हैं और उनके ऊपर मुल्क चलता है, मुल्क उन पर चलता है। बैठा करो, चलते रहते हैं। और मेरी बात सुनो डीजी खान, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शहबाज शरीफ डीजल की कीमत कम करो। आज तेल की कीमत दुनिया में जब हम गए थे उससे भी कम हो गई है और जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 250 रुपए लीटर है। और जब हम गए थे तो फजल रहमान 144 रुपए लीटर था। आपने 130 रुपए फजल रहमान की कीमत बढ़ा दी है। तो हम ये चाह रहे हैं शहबाज शरीफ कि अब जब आलमी मंडी में तेल नीचे आया है तो आवाम के लिए कीमतें कम करो, ये IMF के सामने थोड़ी दिलेरी से खड़े हो। हम 2.5 साल IMF के प्रोग्राम में थे, हमने अपनी कौम को बचाया महंगाई से, हमने अपने मुल्क को उठाया, मईशत उठाई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, हमने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आए,
17 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हमारे दो आखिरी सालों में हुई। तुम दोनों ने तो मुल्क का खून चूसा, तुम्हारे से तो बेहतर मुशर्रफ था। मुशर्रफ ने तो सिर्फ एक ही गलती की कि तुम्हें एनआरओ दिया, नहीं तो तुम्हारे से तो वो बेहतर था। तुम दोनों खानदान अब मेरी गौर से बात सुन लो। 20 साल एक दूसरे के खिलाफ आपने लोगों को कहा कि वो कहता था जरदारी करप्ट है, वो कहता था नवाज शरीफ करप्ट है, दोनों ही चोर थे, फिर इकट्ठे हो गए हो, आज दोनों इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन होगा इतवार को, तुम दोनों को ही एक ही गेंद से दो विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। और थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो तीसरी विकेट भी गिराऊंगा फजल रहमान के साथ साथ तुम्हारी। अच्छा मैं भूल ना जाऊं, डीजी खान, इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर, तुम्हारे आज स्पोक्समैन ने स्टेटमेंट दी है और एक बुजदलाना स्टेटमेंट के जी जवाब दो हमें, मुझे तुम जवाब दो, तुम मुझे आज बताओ कि तुम सारे पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो, जवाब दो। जब जवाब दो कि मरियम और हमजा के कदमों में तुम कितनी दफा बैठते हो, जवाब दो मुझे। हमारे पास रिकॉर्ड है, कहो तो हम बताएंगे कि कब कब तुम उनको मिलने गए, अपनी खिदमत देने लग गए कि इलेक्शन तुमने कैसे जीतना है। सारी अपनी टीम को लाहौर किस लिए लेके जाते हो, क्या इस्लामाबाद में काम नहीं हो सकता? और जो हम इंशाल्लाह, मैं तो छोड़ो, सिकंदर सुल्तान याद रख लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुमने जो सिंध का इलेक्शन करवाया वो इलेक्शन नहीं था, तुम्हारे अपने, ये जो तुम और नून लीग तो एक ही हो, तुम्हारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और JUI, उन्होंने भी सिंध के इलेक्शन के ऊपर क्या कहा है, 15% सीटों पे लोग खड़े नहीं हुए क्योंकि केसेस कर दिए उन पे, FIR काट दी, पुलिस ने डरा दिया। जो जरदारी, और यह याद रखना डीजी खान, आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि 30 साल से इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी है, सारी दुनिया जानती है उसने किस तरह लूटा इस मुल्क को। अभी कराची में जो पानी आया हुआ है, जिस तरह इसका बेटा कहता है ना, जब बारिश आती है पानी आता है, तो जब बारिश आती है पानी आता है, तो तुमने क्या कहा है, तुमने क्या किया है? 14 साल से बैठे हुए हो, 6,000 अरब रुपया सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है, 6,000 अरब रुपया इन पिछले 11-12 सालों में, किधर गया वो पैसा? कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, जब बारिश होती है डूब जाता है, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं होता, पैसे दे दे के वो टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर माफिया से भी जरदारी पैसे लेता है। पानी आता है, बारिश आता है तो फिर नीचे, बारिश नहीं आता तो बेचारा पानी नहीं वहां। और जरदारी खानदान के पैसे में इजाफा, दौलत में इजाफा, चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर, इनका मुकाबला लगा हुआ है दोनों का, इधर से शरीफ खानदान, उधर से जरदारी, चोरी कर करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जाते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, ये जो तुमने LGA लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया, ये कोई इलेक्शन था? 10 का के अंदर 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर बेजाबतियां हुई, इलेक्शन ही सारा कैंसिल कर दिया। यहां सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जिस तरह की वहां हर किस्म की धांधली हुई,
और जो आपका सिंध का इलेक्शन कमिश्नर था वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो जरदारी का तनख्वाहदार है, सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, कुछ नहीं नजर आया तुम्हें? तुम्हारा तो ओथ है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का, तुम्हारा तो मैंडेट है, आइन कहता है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। हर जगह जिधर जाते हैं हर किस्म की इंतजामिया मुदाखलत कर रही है, हर जगह डरा रही है, धमका रही है हमें, किसी ना किसी तरह के लोग डर के वोट ना करें, ये चोरों को जता दें। पुलिस वहां जो अभी पिछली जगह पे लिया के अंदर डीसी, झंग के अंदर डीपीओ, वो पूरी इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चल रहा। और ऊपर से इनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। कौन है मिस्टर एक्स? फिक्र ना करो, आपको पता चल जाएगा कौन है मिस्टर एक्स। पूरी गेम खेल रहा, हुक्म मिला हुआ है कि तुमने इन चोरों को जताना है, और वो सिर्फ एक मिशन, और एक उसने मिस्टर वाइल मुल्तान भेजा हुआ है, सबको पता चल जाएगा। ज्यादा देर नहीं है, लेकिन डेरा गाजी खान के नौजवानों, मैं तुम्हारे से इतवार को रिजल्ट लेने आऊंगा। अगर इतवार को ना आया तो आऊंगा इंशाल्लाह, जब आप सैफुद्दीन खोसा को भारी अक्सरियत से जिताओगे, क्योंकि मुझे ये बताओ हाथ खड़ा करके कि क्या लोटे को जीतने दोगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, घर घर जाना है, ये याद रखना। क्रिकेट के ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं खेला जाता मैच खत्म नहीं होता। जो चैंपियन होता है, जो चैंपियन, और जो माशाल्लाह आप चैंपियंस हैं, नौजवान खास तौर पे चैंपियन है यहाँ के, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, रिजल्ट लेके आना है, और इंशाल्लाह फिर हम सब मिलके, मैं भी आऊंगा सैफुद्दीन के पास, आपके पास, और उस्मान बुज़दार के पास, और इंशाल्लाह हम जीतने के बाद अल्लाह का शुक्र करेंगे, जश्न बनाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।